हेलो गाइस, आज का ये वीडियो एक एक्सेसरी के रिगार्डिंग है, इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी मैंने एक एक्सेसरी परचेस किया है, जस्ट अभी जाके मैंने परचेस किया, मीरा रोड में ही है, वहीं से मैंने परचेस किया है। ये जो प्रोडक्ट है वो होता है विंडशील्ड एक्सटेंडर बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो विंडशील्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका जो प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्टली मेरे हेलमेट पर हिट करता है, बिकॉज़ मेरा हाइट ज़्यादा है तो वो बोलते हैं वो विंड ब्लश आ ही रहा है। तो इस वजह से मैंने एक्सटेंशन ऑर्डर किया था, मंगवाया था उनसे, तो वो अभी आ चुका है। तो ये है प्रोस्पेक करके कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड है, आई थिंक बेंगलोर या चेन्नई बेस्ड है, तो उनके यहाँ का प्रोडक्ट है ये। तो वो प्रोडक्ट आपको मैं बताऊँ तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये एडजस्टेबल होता है, हाइट इससे एडजस्ट कर सकते हैं, हमें जो हाइट में रखना है उस हाइट से। क्वालिटी अच्छा है, ये है वो सी मॉडल है, और एक मॉडल आता है ई मॉडल जो बहुत बड़ा आता है, जो एडवेंचर बाइक्स के लिए बेटर होगा, तो मेरे बाइक के लिए तो ये इनफ है। तो ये मेरे को एग्जैक्टली अराउंड 2000 समथिंग कुछ पड़ा है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये है मेरा कार्बन रेसिंग वाला विंडशील्ड, अभी थोड़ा बाइक गंदा है ड्यू टू अभी धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ पे, इस वजह से। तो ये डायरेक्टली हमें इसके ऊपर प्लेस होगा। अभी ये इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो विंडशील्ड है इसका आप शेप देख सकते हो किस तरीके से है, तो इसे थोड़ा बेंड करना होता है, इस वजह से थोड़ा लगाने का टाइम थोड़ा इशू होता है, नहीं तो बाकी अपना काम तो अच्छे से कर ही रहा है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके क्लैम्प्स कैसे है और इसे कैसे लगाना है। अब ये आप देख सकते हो, ये जो है सॉरी अभी मेरे साथ तो कोई है नहीं, तो मैं खुद ही मेरे को बताना होगा। तो ये जो पार्ट है ये हाइट एडजस्टेबल है, और ये है जो अपने विंडशील्ड के ऊपर लगेगा यहाँ पे। तो इसको जब इंस्टॉल करोगे तो आपको इस तरीके से लगाना होता है, ये यहाँ पे से इस तरीके से अंदर जाएगा, इस तरीके से अंदर जाएगा, इस तरीके से आपको दोनों साइड से करके, फिर एक ये एलन की है इसे टाइट करना है। तो मैं अभी ये इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा इंस्टॉलेशन के बाद। और ये लग चुका है, 2 मिनट का काम है, इजी है इंस्टॉलेशन। इस तरीके से क्लैंप इसके अंदर जाएगा दोनों तरफ से, आप देख सकते हो हल्का सा बेंड होगा और रोटेस भी नहीं कर पाओगे आप। तो ये सबसे मतलब थोड़ा लोअर सेटिंग में रखा है मैंने, आप इसको फुल्ली एक्सटेंड कर सकते हो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना। और ये आगे से इस तरीके से दिखेगा ये, और जब आपको अगर इसका हाइट एक्सटेंड करना है तो ये जो नॉब है इसको लूज़ करना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको लूज़ करना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से लूज़ करना है और इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो ये ऑल द वे इसका इतना हाइट एक्सटेंड हो जाएगा, जो स्टॉक विंडशील्ड है, जो मीन्स जो ऑफ्टर मार्केट जो मैंने लगाया था कार्बन रेसिंग, उसके ऊपर ये इतना हाइट एक्सटेंड कर रहा है। और आई होप ये अभी विंड ब्लास्ट को प्रोटेक्ट करेगा मुझे काफ़ी हद तक। ये जो एक्चुअल इसका यूज़ अभी मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एक रिसेंट में मेरा एक राइड होने वाला है, क्योंकि लेट्स सी ये और भी ऊपर जा सकता है, आई थिंक सो ये हाइट हो जाएगा इसका। अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो इस लेवल पे आएगा वो, मतलब मेरे ऑलमोस्ट फेस पे आ रहा है। तो इस तरीके से होगा एकदम हायर सेटिंग में। ये इसका एक्चुअल रिव्यू टाइप जो फीडबैक होगा ये मैं आपको, नेक्स्ट वीक मेरा एक राइड होने वाला है, लॉन्ग राइड होने वाला है, फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र बॉर्डर के बाहर जाने वाला हूँ, क्रॉस करने वाला हूँ ऑन अ बाइक। तो लेट्स सी, होपफुली अगर प्लान सब हो जाए ठीक से तो चलेंगे। वैसे तो सब तैयारी हो चुका है मेरा, अभी देखते हैं। अभी ये एक एक्सेसरीज बचा हुआ था तो ये भी ले लिया है मैंने, तो मेरे को होपफुली ये मेरे को हेल्प करे फर्दर राइड्स के लिए। और ये अगर टाइट करने के लिए ये क्लॉक वाइज घुमा देना है तो ये टाइट हो जाएगा, इस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो अगर मैं बाइक पर बैठता हूँ उसके बाद अगर मैं मेरे फेस लेवल पे, तो ये व्यू होगा, अभी ये वाइड एंगल नहीं इसलिए पता नहीं चल रहा, बट अप्रोक्स यही व्यू होगा कि सामने
रहेगा, तो वो काफ़ी हद तक मुझे सेव करेगा विंड ब्लास्ट से। तो और ये हम पहुंच चुके हैं हमारे घर, इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैंने छोटा सा एक स्पिन मारा तो ठीक है, अच्छा अपडेट लग रहा है मेरे को। अभी एक्चुअल हाई स्पीड पे पता चलेगा कि वो कैसा वर्क कर रहा है। तो अभी ये अपडेट रिगार्डिंग हम देखेंगे अगले राइड में, और मेरे राइड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स ही होगी, आपको जो रियल टाइम अपडेट्स हो गए वो आपको अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको बिलो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो मुझे और आप अपडेट्स ले सकते हो जो भी अपडेट रहेगा वो। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ कंपेयर टू यूट्यूब में। तो अगर आपको कोई कमेंट ये देना है, कोई फीडबैक देना है, या फिर आप कुछ चाहते हो कि मैं मेरा बाइक में और कोई चीज़ अपडेट करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका व्यूज़ बताइए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। राइड हार्ड, राइड सेफ।